पूरा दिखा देंगे, दो मैचिंग करके वहां से देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ आपका हुस्न दोस्त तीर्थांकर सरकार, और आप लोग देख रहे हैं आपका खास कार्यक्रम सतमोला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। दर्शकों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि रोजाना हम आप लोगों के लिए नई नई जानकारियां जो है वो लेकर आते हैं, काफी मेहनत लगती है इसके अंदर। आचार्य जी काफी ढूंढने के बाद, खोजने के बाद और काफी पढ़ाई करने के बाद, काफी गहन रिसर्च करने के बाद आप लोगों के लिए एक एक विषय जो है वो हम अपने मंच के द्वारा आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। विषय ऐसे जो आपके जीवन से जुड़े हैं, विषय ऐसे जो आपको अंधविश्वास से दूर रखते हैं, विषय ऐसे जो आपको अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं, और विषय ऐसे जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। टॉप स्टोरी मंच का ये हमेशा लक्ष्य रहा है कि आप किसी भी तरह के अंधविश्वास में ना पड़े। कोई भी त्योहार आप मना रहे हैं, आजकल की जनरेशन खास तौर पर जो है किसी त्योहार को मनाने से पीछे हट जाती है, उन लोगों को ये आडंबर लगता है, लेकिन इसके पीछे जो साइंटिफिक रीजन है, सनातन धर्म में जो ये पूरी परंपरा चली आ रही है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी जड़े है, जिससे जुड़कर रहने पर हमें क्या लाभ मिलते हैं, आचार्य जी इन सब के विषय में आपको बताते हैं, जिससे बहुत लोगों के अंदर, मैं देख रहा हूं बहुत दर्शकों का, खासतौर पर युवाओं का जुड़ाव जो है वो हमारे साथ हो रहा है। उनको ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, उनको अपनी संस्कृति अपने धर्म के विषय में अब सटीक और बेहतर जानकारी मिल पाती है, और हर त्योहार को वो महज सिर्फ त्योहार के तौर पर नहीं मनाते, बल्कि वो उसके विषय में पूरी जानकारी रखते हैं, उसके विषय में पूरा ज्ञान रखते हैं, और उसके बाद वो हर चीज को अपने जीवन में उतारते हैं और उसके सकारात्मक रिजल्ट जो है वो उनको देखने को मिलते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं गोवर्धन पूजा की। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम किसी भी त्योहार के विषय में जब भी चर्चा करते हैं तो उस त्योहार के विषय में संपूर्ण जानकारी आप लोगों को देते हैं। वो त्योहार क्यों मनाया जाता है, कब से शुरू हुआ, क्या कहानी है, और उसको पीछे मनाने का उद्देश्य क्या है, उससे आपको क्या लाभ मिलते हैं, आपका किस तरीके से उससे जुड़ाव है, ये सारी जानकारियां हम आप लोगों को उपलब्ध कराते हैं, आप लोगों को बताते हैं। आपको बार बार मैं कहता हूं दर्शकों, बहुत मेहनत लगती है आचार्य जी, बहुत मेहनत के साथ, बहुत खोजबीन करने के साथ, बहुत रिसर्च करने के साथ आप लोगों के लिए विशेष तौर पर इन टॉपिक्स को लेकर आते हैं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए सीधा आचार्य जी को अपने साथ जोड़ना चाहूंगा, मुझे पता है आप लोग उन्हें सुनना चाहते हैं, तो मैं सीधा उनको अपने साथ जोड़ना चाहूंगा। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज। नमस्कार, जय मां भारती, जय श्री राम, आप सब लोगों को गोवर्धन पूजा, गो पूजा और विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। कल आपने निश्चित तौर से अच्छी दिवाली बनाई होगी, सभी लोग सुरक्षित होंगे, दीपावली की भी आपको पुनः एक बार फिर बधाई। ये 5 दिनों का पर्व है, जो 5 दिन के अंदर हमें विभिन्न देवताओं की पूजा करने का सौभाग्य मिलता है, साथ में विभिन्न प्रकार के पकवान हर देवताओं के निमित्त आप लोग अपने भोजन में, अपने उदर में उतार पाते हैं। कहते तो यह है कि समाज के अंदर जब भी किसी को अहंकार हुआ है, चाहे वो रावण का हुआ हो, चाहे वो कंस का हुआ हो, या वो देवराज इंद्र का हुआ हो, हर एक के सामने कोई ना कोई चैलेंज आता है और बाद में उस अहंकार को छोड़ना होता है जी। इसी को लेके मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं कि इंद्र को जब अहंकार हुआ, और अहंकार क्या हुआ कि वो हमारी धरती से अपने लिए भोजन ग्रहण करता था, जब भोजन ग्रहण अति की मात्रा में पहुंच गया और उतनी उपज नहीं हुई, तो गांव वालों ने भगवान श्री कृष्ण से शिकायत की। उस समय भगवान श्री कृष्ण बहुत छोटे थे, तो उन्होंने किसी प्रकार इंद्र के पास खबर भेजी कि इसको बंद कर दो। तो उन्होंने आंधी चलवाई, तूफान मचाए, लेकिन ऐसे में भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और उसके नीचे पूरे गांव को बसा दिया। उसके बाद विभिन्न प्रकार की बाढ़ का सामना करना पड़ा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो साक्षात नारायण का अवतार थे, उन्होंने सबकी रक्षा की। लेकिन जब इंद्र को बोध हुआ कि भगवान श्री कृष्ण खुद भगवान विष्णु का ही रूप है, तब उसने माफीनामा भरा, एक सर्टिफिकेट अदालत में जमा किया, नहीं मैं माफ कर, मुझे माफी दे दो, मैं ऐसा आगे भविष्य में नहीं करूंगा। ऐसा क्रम 8 दिन तक लगातार चला। भगवान को 4 पैर भोजन कराया जाता था और 4 पैर नाश्ता कराया जाता, तो इस प्रकार 56 भोग 7 और 8 दिन के लिए भगवान को लगाए जाते, जिसको हम लोग 56 भोग कहते हैं।
जी। अगर मैं उन 56 मुख की आपको गिनतियां सुनाऊं तो काफी समय लगेगा, लेकिन मैं ये कहना जरूर चाहता हूं कि ये जो परंपरा है, ये परंपरा बहुत ही शक्तिशाली परंपरा है जो हम इस दिन इसको मनाते हैं। कहते दिवाली के बाद का जो रिक्त स्थान है वही इस परंपरा को मनाने का सही उद्देश्यपूर्ण काम है, जहां पर गाय के गोबर की पूजा की जाती है, गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है, ग्वालों की पूजा की जाती है, गाय की पूजा की जाती है। और दोस्तों ये तभी हो सकता है हमारी परंपरा में जब हम गाय की इज्जत करें, गाय की रक्षा करें जी, और प्राचीन काल से आ रही परंपराओं को निभाए। मैं मानता हूं कि कुछ लोगों के पास हो सकता है समय का अभाव, लेकिन परंपराएं अभाव से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, और अगर हम परंपरा में बने हैं तभी हम लोग आगे हैं, तभी हमारी संस्कृति को जानने के लिए दुनिया के लोग जो बहुत शक्तिशाली और धनवान भी हो सकते हैं, लेकिन हमारी परंपराओं की जो जागृति है उसकी वजह से भारत में शांति की ओर चले आते हैं। गोवर्धन पूजा नन्हे से बालक द्वारा सनातन धर्म के आधार पुत्र आधारभूत सरदेवमयी गो माता की रक्षार्थ देवराज इंद्र जैसे शक्तिशाली संपन्न व्यक्तित्व का विरोध कर गो माता की रक्षा और सेवा का महापर्व माना जाता है गोवर्धन। प्राचीन काल में जहाँ हजारों लाखों गो माताओं की सेवा और संवर्धन हुआ करता था वह जगह गोवर्धन है। गो माता की सेवा के बिना हमारा कल्याण नहीं होगा। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री गौ माता की पूजा करने की बात करते हैं, गो रक्षा की बात करते हैं। लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया जब कहा कि इस गोबर से हम लोग बिजली पैदा कर सकते हैं। दोस्तों हमारे घर, हमारे यहाँ तो कुटीर उद्योगों के अंदर गो की गैस से भोजन पकाया जाता है, रोशनी की जाती है। तो प्रधानमंत्री ने ये कहा था तो कहाँ गलत कहा था, उन्होंने तो ये भी कहा कि नाले से जो हमारे यहाँ मिथेन गैस निकलती है उससे भी हम लोग बिजली बना सकते हैं। हम लोग उसको पॉजिटिव साइन के रूप में देखें तो हमको काफी लाभ हो सकता है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग और अन्नकूट महोत्सव कराने के साथ साथ महत्वपूर्ण है गो को हरा चारा खिलाना, जो गो कमजोर हो गई है उनकी सेवा करना, गौशाला में जाके गाय की सेवा करना, प्लस वहां पर अपने कमाए हुए पैसे में से कुछ हिस्सा दान करना जी। क्या आज आपने ऐसा किया कभी? आप भी करके देखिए, आपको भी लाभ मिलेगा। जो मुझे जहां तक मेरी आवाज जा रही है देश के कोने कोने में और इस देश से बाहर भी, मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं आप गाय की स्थिति देखिए। मेक्सिको जैसे देश के अंदर जहां सिर्फ गाय का दूध पिया जाता है, आज वो दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश इसीलिए है जी, उसके पास गाय है हजारों लाखों करोड़ों, और वो अपने यहां दूध की पूर्ति करने के बाद उस बचे हुए गो मिल्क को, गो मक्खन को जिसको बटर ऑयल कहते हैं, वो विदेशों में सप्लाई करता है जी। और वो उसकी कमाई का सबसे बड़ा माध्यम है, दूसरा माध्यम है वहां पर्यटन का जी। आप देख सकते हैं गाय कंप्लीट एक पशु नहीं है, हमारे जीवन का एक रास्ता है, एक विचार है। और अगर हम आज गाय की बात ना करें तो फिर हमारे जीने का अर्थ ही क्या रह जाएगा जी। बिल्कुल। अब तो आप ये बात, जो नेचुरल वाले लोग हैं, जो मतलब आयुर्वेद से जुड़े हुए लोग हैं, जो खेती वाले लोग हैं, वो नेचुरल खाना खाते हैं, नेचुरल चीजें जानना चाहते हैं, बिना गैस की चीजें जाते हैं, बिना रसायन का भोजन करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो गऊ का जो गोबर होता है वो विशेष बुनियादी आपूर्ति है। वास्तविक गौ पूजन तो गोवर्धन पूजन तभी होगा जब हम गाय का सम्मान करेंगे। वेद बिना मति नहीं, गाय बिना गति नहीं, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि हमारे गरुड़ पुराण में लिखा है कि गाय की पूंछ पकड़कर हम भवसागर से पार जा सकते हैं। भवसागर जो होता है वो माँ का पेट होता है, भवसागर किसी ने नहीं देखा, लेकिन 9 महीने जब माँ बच्चे को पालती है तो वहां से वो बच्चा संस्कार लेके पैदा होता है। इसीलिए कहते हैं इसकी जीन्स कैसी है, इस जीन्स का आधार गौ माता है। गाय की रक्षा के लिए भगवान कली नाग से भिड़ गए थे, कालियानाग से जो भिड़े थे भगवान गाय को लेकर भिड़े थे। गैन तो एक बात की चीज आ गई, आज गो माता की सेवा सुषुप्ना की शपथ लेने का दिन है। गोपाल ना बन सको, ग्वाल तो बन ही सकते हैं हम लोग बिल्कुल। और 56 भोग की जहां मैं आज आपको जरूर 56 भोग आपको बता देना चाहता हूं कि वो 56 भोग है क्या। नंबर एक है भात, इसको भक्त बोलते हैं। दूसरा है सूप यानी कि दाल। तीसरा है भिड़े चटनी। चौथा है अवले शरबत। नंबर 5 बलका यानी कि बाटी। नंबर 6 है
इक्षु श्रेणी मुरब्बा, ये संस्कृत के शब्दों को हिंदी में परिवादित करके मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 7 है साधिका यानी कढ़ी, 8वां दधी काक्चा दही साग की कढ़ी जिसके अंदर सब्जी डाल के कढ़ी बनाई जाती है। आप तो बंगाल से हैं, आपके यहाँ बंगाल में बहुत बनाई जाती है ये सब्जी डाल के कढ़ी बनती है दही जी। और सखनी सीखनी, इसके अलावा 10वां त्रिकोण शकरा युक्त जिसके अंदर मीठा हो, 11वां परिशिष्ट यानी ये पूरी, 12 शतपत्र खजला, इतना मोटा हमारे नौचंदी में नौचंदी लगती है, नौचंदी में खजला देखने को मिलता है, मैदा का बनता है जी जी। सदी दत्त यानी घेवर हमारे मेरठ में बनता है, बहुत बढ़िया, और विभिन्न प्रकार के बनने लगे अब तो। मेरठ, मेरठ तो फेमस है आचार्य जी घेवर के लिए जी, हमारा शहर तो बहुत चीजों के लिए, प्रधानमंत्री जी ने अब स्पोर्ट्स दे दिया है इसको, कैची और स्पोर्ट्स मेरठ को मिल गया है जी। और बटक यानी कि बड़ा, खाया होगा दही शॉर्ट का आपने जी, मधुशीर्ष जी, बिल्कुल मधुशीर्ष, बड़ा नाम, बड़ा खास नाम है, सुबह नाश्ते में खा सकते हैं, जिसको मटरी बोलते हैं। फणिका यानी कि फैनी, कपूर नाड़ी लौंग की पूरी जी, चिडिंका चौला, हम लोग तो चौला वाला इजी नाम से लेते हैं जिसे पोहा भी कहते हैं, सुधा कुंडिका जलेबी जी, हमारे यहाँ सुबह को आप नाश्ते में जाएंगे तो 20 रुपए में 25 में पेट भर जाता है पूरी और जलेबी से, आज भी बढ़ जाता है। धरतपुरी मेसू, वायुपुर रसगुल्ला, चंद्रकला पकी हुई यानी कि उसमें बखर में डाली हुई, और चक्राम मालपुआ, खंड मंडल खुरमा जी, गोधूम दलिया, परीखा और सुफला ढड़ा सौंफ युक्त जिसके अंदर सौंफ होती है, दही रूप बिसरालू, मोदक लड्डू साग, जो ये मेथी वगैरह का जो साग होता है इसको बनाते हैं, सोधान अदानी अचार, मंडका मोठ पायस खीर, जनरली केरल में आपने नाम सुना होगा पायस का, ये है खीर, दधी बंगाल में चलती है, हाँ हाँ है, गोधरत गाय का घी, हैयंग पीनक मक्खन, मंडूरी मलाई, कुपिका रबड़ी, पड़पड़ पापड़ जी, शक्ति का सीरा, सीरा वो होता है जो चाशनी का होता है, चाशनी को सीरा बोलते हैं, लस्सी का लस्सी, सुवत संघाय यानी मोहर, सुफला सुपारी, सीता इलायची, 48वां फल, विभिन्न प्रकार के जो फल होते हैं, इसके अलावा तांबूल पान, मोह भोग मोहन भोग जो भगवान रसगुल्ला टाइप का होता है, इतना बड़ा पीले रंग का होता है, लवण नमक कषाय जिसके अंदर करेले को बोलते हैं हमारे यहाँ कषाय, जिसमें कड़वाहट होती है, मधुर मधुर मिश्री को बोलते हैं, तिर्क तिल से बना हुआ भोजन, कुटू कुटू आपके बर्तों में आपने देखा होगा, और अंत में अमल जिसके अंदर अम्लीय हो खट्टा हो। इस प्रकार 56 भोग भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने का प्रावधान है जी। कहते हैं मिठास से शुरू करके अम्ल पे जाके खत्म करना ही एक इसका सबसे बड़ा शरीर को फिट रखने का उपाय है। आखिर में होटलों में मिलता है नींबू पानी मिलता है, कुछ लोग हाथ धो लेते हैं कुछ लोग पी लेते हैं, तो वो सब इसी चीज से संबंधित है जी। तो दोस्तों मेरा कहने का आज का मतलब यही है कि गौ सेवा भारत की रिद्धि सिद्धि और समृद्धि की सबसे बड़ी निशानी है, और इसी को लेके गोवर्धन पूजा, गोवर्धन परिक्रमा, भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के अंदर चले जाना, यही एक परंपरा हमारे देश की है, और ऐसे देश में जन्म लेके मैं सच में अपने ऊपर बड़ा फक्र महसूस करता हूं, और आगे क्या बोलते हैं सरकार में फिर उस पर आपसे चर्चा करूं जी। आचार्य जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, इतनी बेहतरीन जानकारी आज गोवर्धन पे दर्शकों को देने के लिए, उम्मीद है आज दर्शकों का पूरी तरीके से ज्ञान वर्धन हो गया होगा गोवर्धन पूजा को लेकर, क्यों मनाया जाता है, क्या कहानी है, 56 भोग भी आज आप लोगों को पता चल गया कौन कौन से आइटम्स जो है वो 56 भोग में होते हैं।
इसके बाद हम आज हम बात करने वाले हैं मृत्यु के गूढ़ रहस्य पर, लेकिन वहां जाने से पहले कुछ सवाल हमारे पास आचार्य जी आए थे। कुछ सवाल पश्चिम बंगाल से भी है और कुछ सवाल हमारे पूर्वांचल से भी है कि जैसे आज विश्वकर्मा पूजा मनाई जा रही है। सबसे पहले बंगाल के लिए आओ, बंगाल से बिलोंग करते हैं, बंगाल के ले आइए पहले आप जी। सवाल ये आया है आचार्य जी कि वहां कुछ लोगों ने हमें भेजा है, एक हमें प्रतीक जी ने भेजा है, प्रतीक घोष जी ने सवाल, वो जानना चाहते हैं कि जैसे पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी पूजा दिवाली से कुछ दिन पहले हो जाती है और जो विश्वकर्मा पूजा होती है वो भी दिवाली से कुछ दिन पहले हो जाती है। नॉर्मली जो हमारे इस तरफ नॉर्थ इंडिया में लक्ष्मी पूजा और विश्वकर्मा पूजा जो मनाई जाती है वो दिवाली और दिवाली के अगले दिन मनाई जाती है, तो वो जानना चाहते हैं कि ये मतलब इस तरह से ये गैप्स कैसे है त्योहारों के बीच में कि कुछ जगहों पर पहले मनाई जा रही है कुछ में बाद में। देखिए देश काल और पात्र, हमारा जो देश है वो दो जगह पर बटा हुआ है, सूर्य और चंद्र जी जी, तो जी। हम लोग उत्तरी भारत के अंदर या मध्य भारत के जो लोग हैं वो चंद्रवंशी है, चंद्र को आगे रख के पूजा करते हैं जी। हर ढाई दिन के अंदर चंद्रमा 12 राशियों पे बदल जाता है, लेकिन जो लोग सूर्य की पूजा करते हैं, जो आपका बंगाल है वो ईस्टर्न देश है यानी कि ईस्ट में पड़ता है, तो वहां पर सूर्य को देख के गणना की जाती है, इसलिए आपके यहाँ लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा, विश्वकर्मा पूजा हमारे से 15 से 18 दिन पहले पड़ती है तो मनाई जाती है। अर्थात जो 17 तारीख गई थी उसके आसपास आपके यहाँ वो पूजा होती है, सूर्य को देख के पूजा की जाती है जी। ये इसका उत्तर है जी। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद है प्रतीक जी आपको आपके सवालों के जवाब। सूर्य नीच में आ जाए, इस समय सूर्य नीच में आ जाता है जी, इस समय सूर्य नीच में आ जाता है। हमारे से बहुत ज्यादा होशियार है बंगाल के लोग, वो सूर्य की पूजा करते हैं, तो सूर्य नीच में ना आए उससे पहले पहले वो उस पूजा से निपट लेते हैं जी। ये प्रश्न जो है कई दफा मेरे मन में भी था और अब लोगों ने भी, काफी दर्शकों ने पूछना शुरू किया कि भाई ये जो है इतना गैप क्यों रहता है त्योहारों में, भाई लक्ष्मी पूजा आप लोगों के यहाँ पहले हो जाती है, हमारे यहाँ बाद में होती है। तो आज उम्मीद है दर्शकों के मन के भी ये सवाल जो है वो उनके उत्तर आप लोगों को मिल गए होंगे, आचार्य जी ने आपको बता दिया। आज आचार्य जी हमारे पास काफी सारे मैसेजेस जो है वो भी आए हुए हैं, काफी सारे लोगों के मैसेज आए हैं जो हमारे कार्यक्रम को लेकर उन लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। तो पहले हम ये मृत्यु के गूढ़ रहस्य पे बात करेंगे और आज उन दर्शकों के मैसेज मैं आपको बताऊंगा। वो लोगों की शिकायत भी रहती कि आप लोग हमारा नाम नहीं लेते, हमारे मैसेज पढ़ते नहीं है, आप हमारे मैसेज के जवाब नहीं देते। तो आज हम जो समय है लास्ट वाला वो आपके जो आपने मैसेज भेजे है, आपने ईमेल्स भेजी है, उनके जवाब जो है आज हम आपको देंगे, आपका नाम भी लेंगे। तो सबसे पहले मैं आचार्य जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार मृत्यु के गूढ़ रहस्य पर थोड़ा सा दर्शकों का मार्गदर्शन कर दीजिए। देखिए वैसे तो ये बड़ा पेचीदा है मृत्यु के जो रहस्य है, इसको तो मृत्यु के बाद ही पता चलते हैं, लेकिन आपने कहा है तो इसको जरूर बताऊंगा मैं जी। आप जरूर सुन के बड़े हैरान हो जाओगे, प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग इंद्रियों से मरता है जी। किसी की मौत आंख से होती है तो किसी की आंख खुली रहने से, मैं पहले इसकी कभी चर्चा कर चुका हूं आप लोगों से जी जी। किसी की मौत आंख खुली होने से होती है तो किसी की आंख बंद होने से, कुछ आंखें खुली रह जाती हैं। हंस आंखों से उड़ा, किसी भी मृत्यु कान से हुई, यानी कि कभी मृत्यु आंख से होती है तो कभी कानों से होती है। किसी की मृत्यु मुंह से होती है, मुंह खुला रह जाता है। और अधिक लोगों की मृत्यु जिनेंद्र से होती है, यानी कि जहां से बच्चे की उत्पत्ति होती है वहां से होती है, क्योंकि अधिकांश लोग जीवन में जनेंद्र के आसपास ही भटकते रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बस सेक्स के अलावा उनके जीवन में और कुछ है ही नहीं जी। तो ऐसे लोगों भी अपने आप में होते हैं, उनके ऊपर हाँ नहीं जा पाते, उससे ऊपर नहीं सोच सकते, उनकी जिंदगी यही हो गई है, जिस इंद्री के पास जिस गई है उसी इंद्री से मौत होगी। औपचारिक रूप से हम मरघट में ही जाते हैं, अर्थात किसी भी रूप में हमारी मौत हुई, हमें जाना मरघटी होना होता है, चाहे हम लोग किसी भी जाति में हो, मरने के बाद सबकी गति एक सी होती है। लेकिन हमें इससे मिलता बहुत कुछ है, बहुत कुछ खो जाता है, बहुत कुछ पा जाते हैं जी। किसी को तो
उसकी कपाल क्रिया करते हैं तो उसका सिर तोड़ते हैं, वैसी प्रतीक है, वैसी प्रतीक है। समाधिस्थ व्यक्ति की मृत्यु उस तरह होती है जिस वो समाधि के रूप में ही उसका चक्र शुरू होता है और उसे समाधि के रूप में ही धरती के अंदर दबा दिया जाता है। जननेंद्रिय सबसे नीचे का द्वार है, जैसे कोई अपने घर की नाली में से प्रवेश करके बाहर निकले। सहस्त्र जो तुम्हारे मस्तिष्क में द्वार है वह सृष्टम द्वार है, जिनकी मौत कान से, आंख से होती है, ब्रह्मांड से होती है, यहां से होती है, वह सर्वश्रेष्ठ मौत कहलाती है। जी, जननेंद्रिय पृथ्वी से जुड़ता है, सहसार्थ आकाश से, जिसे जननेंद्र से मौत होती है वो देह से जुड़ता है, उसका परेशानी का कारण होता है, निम्न स्तर को प्राप्त होता है। जी, और सहशास्त्र आत्मा से जो लोग समाधिस्थ हो गए हैं, उन्होंने ध्यान को अनुभव किया है, जो बुद्धित्व को उपलब्ध हुए हैं, उनकी मृत्यु सहसास से होती है, आंखों से होती है। उस प्रतीक में हम कभी भी कपाल क्रिया करते हैं, मरगट ले जाते हैं, बाप मर जाता है तो बेटा लकड़ी मारकर सिर तोड़ देता है, मरे मराए का सिर तोड़ रहा है, प्राण तो निकल ही चुके हैं, हमें ये सब धारणा है, सब सोचना पड़ेगा, इसी को कपाल क्रिया भी बोलते हैं। जी, अब आगे तो आगे कहते हैं हम लोग इसके लिए, अब काहे के लिए दरवाजे खोल रहे हो, अब तो निकलने का वो कोई भी जगह नहीं है, जहां पर प्रतीक औपचारिक आशय कर रहा बेटा भी, बाप सहचर्य से मरे, बाप किसी भी द्वार से मरे, मर तो हो चुका ही है, प्राण तो निकाल चुका है अपने, लेकिन हमारा धर्म कहता है कपाल क्रिया सनातन धर्म की वो मिसाल है कि बॉडी के अंदर आत्मा का कोई भी हवा ना रह जाए कि दोबारा उसकी मुक्ति ना हो पाए, अर्थात मौत के बाद ही दूसरा जन्म मिलता है। मौत हो जाए तो शरीर, हमारी आत्मा शरीर बदल लेती है, आत्मा अजर और अमर है, ये कभी नहीं मरती। जी, अब आप कहोगे, आपके मन में विचार आएगा कि इतनी जनसंख्या कैसे बढ़ गई, तो दोस्तों जब से हमारे संसार के अंदर वृक्ष कटे हैं तब से हमारे यहाँ जनमत संग्रह हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ जो पेड़ है, जो वृक्ष है, उसके अंदर भी आत्मा रहती है, और जब हम ज्यादा वृक्ष काट चुके हैं तो हमारी आत्माओं को बल मिला है और वो इंसान के रूप में इस धरती पे पैदा हुई है। जी, जो वृक्ष गंदे रहते थे उन्होंने जानवरों का रूप लिया, जो वृक्ष साफ सुथरे थे औरों को फल देते थे, जो फल देने वाले वृक्ष है वो स्त्री बने, जो फल नहीं देते थे वो पुरुष बने, क्योंकि जीवन में देने वाली तो खाली स्त्री है, पुरुष तो बहुत कम ही दे पाता है, पुरुष तो वही दे पाता है जो यहाँ तपने के लिए आता है। तो यही सारी बातें, जीवन भर उन्हीं रूप और रंगों में ही अपने को तलाशो, अपनी खोज में किसी न किसी अच्छी चीज को शामिल करो, तो आप भी इसी धरती पे बार बार आने के झंझट से मुक्त हो सकते हो। जो लोग संसार को कुछ देते हैं, चाहे वो ज्ञान दे, चाहे वो यहाँ ही से कमाया हुआ धन दे, माता पिता को सेवा भाव दे, बच्चों को क्रिया दे, कल्प दे, सोच दे, आयाम दे, देशभक्ति दे, ऐसे लोग ही सदाचार की जिंदगी जीने के बाद मोक्षगामी होते हैं। और यही आत्मा यदि तृप्त होकर धरती से जाती है तो उसे मोक्ष मिलता है, वो भगवान श्री कृष्ण के धाम चली जाती है और अजर और अमर हो जाती है, उसे दोबारे जीवन जीने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको एक बार गरुण के बारे में बताया था, जो लोग गरुण पाठ करते हैं वो इस चीज को जानते हैं कि 9 महीने माँ के पेट में जो बच्चा रहता है वो क्या क्या सोच के दोबारा जन्म लेता है, किस किस परेशानी में माँ जिंदा रहती है, किस किस परेशानी में वो बच्चा किस गंदगी के अंदर से निकल के बाहर आता है, ये बच्चा ही जान सकता है और कोई नहीं जान सकता है। इसीलिए हमारे माता पिता हमारे अपने बच्चों से कहते हैं, मैं समझता हूँ सनातन धर्म का हर माता पिता अपने बच्चों से कहता है, बेटा झूठ मत बोलना, बेटा सत्कर्म करना, चाहे माँ बाप कितने ही पापी हो जाए, लेकिन अपने बच्चों से हमेशा अच्छे कर्म करने की शिक्षा देते हैं, और वो अपेक्षा भी करते हैं कि उनके बच्चे बच्चे अच्छे कर्म करें, जिससे उन्हें भविष्य में जब वो इस धरती से जाए, हम होंगे नहीं लेकिन हमारे बच्चे जाए, तो मोक्ष ग्रहण करें, इस धरती पे दोबारा आने के झंझट से मुक्त हो जाए,
अपने पिता का, अपनी माता का, अपने कुल का नाम रोशन करें, तभी तो मृत्यु सार्थक होगी। जो धरती पर आया, चाहे वो राजा हुआ हो या ईश्वर, उसे जाना तो होता ही है। जी बिल्कुल। और सरकार मृत्यु अटल है, अपने उसने आना ही आना है, अपने समय पे आती है। संदीपन ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण को यह उपदेश दिया था कि तुम्हारी गुरु माता तुमसे अपने बच्चों को मांगेगी, क्योंकि उसके 7 बच्चे यम ने ले लिए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गुरुदेव मुझे क्या करना चाहिए? बोले, अपनी माँ के बेटे बन के समझाना उनको। तो वहां से आप देखिए कि कितनी बड़ी बात कही है। खुद नारायण गुरु माँ से कहते हैं, माँ तुझे क्या चाहिए गुरु दक्षिणा में? वो कहती है, नहीं मेरे तो 7 पुत्र थे, मुझे वो दिला दो बस। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वो मैं कैसे ला सकता हूं, वो तो नीति है, मैं तुम्हारा बेटा नहीं बन सकता क्या? जी। तो वो कहते हैं, तुम तो नारायण हो, तुम सब कुछ कर सकती हो, मुझे इससे ज्यादा और क्या मिलेगा कि मेरे पुत्र नारायण के रूप में उपस्थित है, लेकिन मुझे एक बार दिखा तो दो। भगवान श्री कृष्ण फिर कहते हैं, माँ मोह माया में अभी भी संदीपन की पत्नी होके भी मोह माया में हो, चलो मैं तुम्हें बच्चों के दर्शन दिला सकता हूं, लेकिन मैं उनको लौटा नहीं सकता, ये मेरे अधिकार में नहीं, ये यम के अधिकार में, जिसके अंदर मैं हनन नहीं कर सकता। और आज का जो दिन है, आज उसी बात का दिन है, क्योंकि इस शिक्षा के बाद ही भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल को, वृंदावन को छोड़ दिया था और कंस की मौत के लिए मथुरा में पधारे थे। जी, आज के बाद ही वो संदीपन वाली बात क्रियान्त होती है। ये वो देश है जहां के चप्पे चप्पे में ईश्वर बसता है। जी, मुझे बड़ा फक्र होता है सरकार, जब मैं ये बात कहता हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैं भारत की धरती में पैदा हुआ और बार बार यही जन्म लेना चाहता हूं। जी, क्योंकि अगर असली शांति है तो इसी धरती पर है। मैं 30 देशों में गया, बहुत भागने वाली जिंदगी है, लेकिन जो अपनी धरती है, जिस धरती में मैं जन्म हुआ है, ये वास्तव में अलौकिक है। जी जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, इतनी बेहतरीन जानकारी मृत्यु के गौर रहस्य पे, गूढ़ रहस्य पे देने के लिए दर्शकों को। उम्मीद है दर्शकों को हमारा कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा, काफी नई नई बातें आज जानने को मिली है। क्योंकि समय की थोड़ी सी पाबंदी है, लेकिन आप लोगों के जो मैसेजेस हमारे पास आए हैं, उनके जवाब आज हम जरूर देंगे, आप लोगों की शिकायतें भी दूर करेंगे। आचार्य जी, हरिओम शर्मा जी लिखते हैं, उन्होंने भेजा है कि उनकी नौकरी नहीं लग पा रही थी, उन्होंने उपाय पूछा था, तो उनकी नौकरी लग गई है और उसके लिए उन्होंने धन्यवाद भेजा है कि आचार्य जी का और टॉप स्टोरी टीम का धन्यवाद, आप लोगों ने जो हमें उपाय बताए, उन उपायों को करने के बाद मेरी नौकरी लग गई। तो हरिओम शर्मा जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार आपका कि आपने चीजों पे विश्वास करके उन उपायों को किया और आपको उसके सकारात्मक परिणाम जो है वो देखने को मिले। जैसा कि हम लोग लगातार बोलते हैं, हमारी कोशिश ही है कि हम आप लोगों को अज्ञान से ज्ञान की ओर लेके जाए। अगला सवाल आचार्य जी जो है, ललित नागर जी ने भेजा है, वो कहते हैं कि करियर को लेके उन्होंने पूछा था, तो उनका स्पोर्ट्स में, खेलकूद में काफी अच्छे थे वो, तो उनका स्पोर्ट्स कोटे से एडमिशन हो गया है और उनको अब मतलब नेशनल लेवल के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आचार्य जी ने जो उपाय बताए थे उनको करने के बाद जो है मुझे इसके अंदर सफल, इसका सकारात्मक प्रभाव जो है वो मुझे देखने को मिले हैं। तो ललित नागर जी ने ये शुभकामनाएं हमारे लिए भेजी है, उन्होंने कहा कि काफी अच्छी तरीके से आचार्य जी जो है चीजों को बताते हैं और बहुत ही सटीक तरीके से, एक वैज्ञानिक फॉर्म में बताते हैं, किसी भी तरीके का कोई अंधविश्वास आप लोगों के कार्यक्रम में नहीं दिख पाता है। अगला मेल जो हमें भेजा है वो वर्षा सिंह जी ने भेजा है। आचार्य जी, वर्षा सिंह जी लिखती है कि वो माँ काली की कहानी सुनना चाहती है, जो माँ काली का अवतार है जिसमें शिव भगवान उनके पैरों के नीचे आ गए थे, तो वो कहानी वर्षा सिंह जी सुनना चाहती है। वो कहती है कि अगर आप वो कहानी एक बार हमें सुनाए तो हमें काफी अच्छा लगेगा। जब भी मौका लगेगा मैं ऐसा जरूर करूंगा कि हालांकि बहुत छोटा मुंह है मेरा,
माता महाकाली की मैं कैसे कोई चर्चा कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी जब भी मौका मिलेगा मैं उसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा। आकाश कुमार जी ने आचार्य जी लिखा है कि वो साधनाओं के विषय में जानना चाहते हैं कि जो साधनाएं होती है वो कितनी सटीक होती है और कैसे की जाती है, कितना समय लगता है, क्या गुरु की आवश्यकता होती है, अगर गुरु की आवश्यकता होती बिना गुरु के। देखिए साधना जो है उसका जवाब तो मैं अभी दे देता हूँ, साधना बिना गुरु के करनी भी नहीं चाहिए और हो भी नहीं सकती जी। साधना साधक के ऊपर डिपेंड करती है जी। साधक कैसा है, जब साधक कोई मिल जाएगा तो गुरु उसे अपने आप अपने साथ ले जाएगा और वो साधक तभी सफल होगा जब उसको गुरु ढूंढने आएगा जी। संसार में वही लोग सफल हुए जिनके गुरु ने शिष्यों को ढूंढा है जी। जी आचार्य जी, तो आकाश कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपने प्यार भरे संदेश भेजने के लिए। मनु प्रजापति जी लिखते आचार्य जी राजकोट गुजरात से, इन्होंने हमें अपना पहले सवाल भेजा था अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ कि ये मेहनत कर रहे हैं और सरकारी नौकरी के एग्जाम में सफलता इन्हें नहीं मिल पा रही है, तो अभी राजस्थान में जो टीचर्स के लिए एग्जाम हुए थे वो इन्होंने क्लियर कर लिया है, तो इन्होंने धन्यवाद भेजा है बहुत सारा कि आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको। आचार्य जी ने जो उपाय बताए थे उपायों को मैंने किया है और राजस्थान में जो अभी टीचर्स के लिए एग्जाम हुए थे उनको इन्होंने क्लियर कर लिया है, तो इन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों को भेजा आचार्य जी, विशेष तौर पे आपसे आशीर्वाद इन्होंने मांगा है कि आगे भी जीवन में सफलता मिले। तो आचार्य जी ये कुछ दर्शकों के फीडबैक्स हमारे पास आए थे, कुछ जवाब आए थे, हालांकि मेल की लिस्ट अभी बहुत लंबी है, अभी लोग लगातार जो है कमेंट्स कर रहे हैं और कुछ लोग नई नई कहानियां भी सुनना चाहते हैं धर्म से जुड़ी। एक है यहाँ पे स्वाति जी ने लिखा है कि आप लोग जो कहानियां बताते हैं उन कहानियों को सुन के हमें सनातन धर्म के विषय में अधिक जानकारी होती है, पहले हमें इन चीजों का नहीं पता था लेकिन अब हमें लगता है कि हमारा धर्म काफी प्राचीन है और काफी पुराना है और हमें अपनी संस्कृति के साथ जुड़े रहना चाहिए, जैसे कि बाकी धर्मों के लोग भी अपनी संस्कृति में जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों के इस कार्यक्रम के जरिए हमें लगता है कि यूथ जो है वो अपने धर्म से और अपनी जड़ों से जुड़ पाएगा। ये तो हमारा जो मोटो है वो है ही, चले हमें ज्ञान से ज्ञान की ओर। जी आचार्य जी, तो आचार्य जी ये कुछ मैसेजेस आपके लिए और टॉप स्टोरी न्यूज के लिए आज दर्शकों की तरफ से आया था, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे भी आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहे हम लोगों को। सभी दर्शकों को एक बार दिल से धन्यवाद है जो आप लोग अपना इतना प्यार हमें दे रहे हैं, लगातार हमारे कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं, लगातार आप प्रश्न अपने भेजते रहते, कई बार हम जवाब जो है नहीं दे पाते समय की कमी की वजह से, पर ऐसा नहीं है, हम लोग आपकी सभी मेल्स पढ़ते हैं, सभी मैसेजेस पढ़ते हैं और जब भी समय लगता है तब हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों के जो है मैसेजेस का हम जवाब जरूर दें। तो एक बार फिर से दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा प्यार हमें देने के लिए। आचार्य जी एक बार आपसे फिर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए, युवाओं का मार्गदर्शन करने के लिए, उन्हें अपनी जड़ों से वापस जोड़ने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आचार्य जी। दर्शकों कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिएगा, ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए लॉगिन कीजिए www.topstory.online। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए सतपोला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। धन्यवाद। जितना जी में